ये आपको इजी हिच दी गई है, जैसे कि आप अकेला आदमी खेत में है या कुछ भी काम कर रहा है, जो उसको इम्प्लीमेंटर जोड़ना है तो जहाँ से ही उठा सकता है लिफ्ट को और जहाँ से ही नीचे कर सकते हैं आराम से। अच्छा, अकेला आदमी भी आप इम्प्लीमेंट अटैच कर सकता है इससे। तो आपके इस इंजन की बात करें, जो क्लोस्कर कंपनी का इंजन आता है 3478 cc का, इसमें इंजन आता है 52 HP कैटेगरी में, ये ट्रैक्टर आता है 3478 cc का 52 HP कैटेगरी में। पावर स्टेयरिंग का अलग से दिया गया है। अच्छा जी, CL ऑयल होता है जो अलग से दिया गया है पावर स्टेयरिंग का। थोड़ी आप इनकी लाइटों के बारे में बताइए जो इसमें हैलोजन बल्ब दिए गए हैं। क्या होता है कि बहुत से किसान भाई ये चाहते हैं कि इनमें हैलोजन बल्ब की जगह LED बल्ब आने चाहिए, तो इनकी कोई आप खासियत बताइए कि हैलोजन बल्ब कैसे काम करते हैं। भैया जो LED बल्ब आता है, LED लाइट आती है, उसका जो मिरर होता है, अच्छा मिरर अलग ही होता है, इसका मिरर अलग है। जो लाइट आती है उसको साइड में करता है, जो ट्रैक्टर की लाइट आती है वो सीधा ही खाली देखता है। हाँ हाँ जी, साइड वाला नहीं है, आस पास वाला कुछ नहीं देखता। इसमें हमें जो बेनिफिट रहेगा, जब किसान चला रहा है ट्रैक्टर तो उसको साइड वाला भी देखेगा, जब मोड़ के वो जाएगा तो उसको राइट वाला या लेफ्ट वाला पास देखेगा देखेगा। अच्छा जी, उसके बाद इसकी लुक की बात करें तो जो लुक सारा चेंज किया गया, पहले जो हमारा जो स्वराज में ट्रैक्टर आता था वो बोनट एक साइड से खुलता था। अच्छा जी, अभी ये सिंगल पिस्टन एक साइड से खुलता था, अभी ये सिंगल पिस्टन दे दिया गया है, अंदर गैस कटर दिया गया है, इसको हमें ज्यादा उठाने की जरूरत नहीं है। जहाँ पर बंद किया, जहाँ छोड़ दिया, अपने आप उठ जाता है ऊपर को। अच्छा जी, मतलब ज्यादा मेहनत नहीं लगेगा, ज्यादा मेहनत नहीं करनी, अपने आप उठ जाता है, एक ही हाथ से उठा धर सकते हैं। इसमें गैस कटर दिया गया है, सॉकर दिया गया है यहाँ पर। उसके बाद इसकी सेफ्टी के लिए, जैसे कि हम भूसा में चलाते हैं या थ्रेशर में चलाते हैं, सेफ्टी के लिए जाली दी गई है ग्रिल। उसके बाद जो हम नीचे से कचरा आता है रेजिस्टर के आगे लगता है, उसके लिए अलग से नीचे से सेफ्टी के लिए जाली दी। अच्छा जी, नीचे से बिल्कुल खुला, नीचे से नहीं, मतलब कि नीचे से कोई भी कचरा ऊपर नहीं आएगा। अच्छा जी, रेजिस्टर के पास कोई भी कचरा नहीं जाएगा, तो ये चौक नहीं होगा तो ट्रैक्टर लंबे समय तक चलेगा। उसके बाद ये सेफ्टी के लिए जे दिए गए हैं, अच्छा तो जो भी है वो आगे कचरा नहीं आएगा इसके। अच्छा जी, उसके बाद फ्रंट एक्सल की बात करें, एडजस्टेबल इसका फ्रंट एक्सल है। अच्छा जी, जैसे कि जे पीछे करेंगे तो हम खेती के लिए यूज कर सकते हैं, आगे करेंगे मतलब जे वाला एक्सल अपना आगे पीछे हो सकता है। हाँ, जैसे कि पीछे, हाँ जो पीछे करेंगे तो हम जैसे कि खेती के लिए यूज करते हैं। हाँ जी, जैसे कि मोड़े पर जो मोड़ते हैं तो उसमें थोड़ा छोटा ट्रैक्टर हो तो इजीली मुड़ जाता है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए जे यूज होता है। जैसे कि ट्रॉली के लिए लंबा ट्रैक्टर चाहिए होता है, आगे उठे ना, उसके लिए आगे भी हो जाता है। दूसरा भी इसमें जे फीचर है, ये एडजस्टेबल आगे से भी है। अच्छा, ये टायर और बाहर भी हो जाएंगे। हाँ, और अंदर भी हो जाएंगे। अच्छा जी, ये देखिए अलग से नट दिए गए हैं, इसको अंदर भी कर सकते हैं, इसको बाहर भी कर सकते हैं। जैसे कि आलू की खेती करते हैं पंजाब में, देखा होगा। हाँ, हाँ जी, या कुछ वट बना के जो बना के खेती करते हैं, जो ज्यादा होगी तो आप उसी हिसाब से इसको बाहर भी कर सकते हैं, उसको अंदर भी कर सकते हैं। अच्छा जी, किसान भाई अपने हिसाब से एडजस्टेबल, अपने आप से एडजस्ट कर सकते हैं, जिस हिसाब से उन्हें जैसे जिसकी जरूरत पड़ती है अपने हिसाब से कर सकते हैं। बाकी सिंगल पावर एक्टिंग स्टीयरिंग आता है। अच्छा जी, ठीक है। जो आपके इस इंजन की बात करें, जो क्लोस्कर कंपनी का इंजन आता है 3478 cc का, इसमें इंजन आता है 52 HP कैटेगरी में, ये ट्रैक्टर आता है 3478 cc का 52 HP कैटेगरी में, तीन सिलेंडर। अब तक किसी कंपनी का भी इतनी सीसी वाला इंजन, किसी कंपनी के कॉम्पिटिशन ट्रैक्टर में किसी में भी ये इतना सीसी का इंजन नहीं आता। अच्छा, तो इसके बोर स्ट्रोक का साइज है वो 110-122 mm का है, सबसे बड़ा बोर स्ट्रोक है। जो इसकी बैकअप टॉर्क है वो 195 है। अच्छा जी, जो इसके ग्राफी की बात करें तो अलग से ग्राफिक दिए गए हैं, जहाँ जितने में जो 1974 में लॉन्च हुआ था स्वराज, उसकी बैचिंग की है, 5-star की बैचिंग की गई है। अच्छा जी, जो उसके टैंक की, डीजल टैंक की बात करें, जो 60 लीटर का डीजल टैंक आता है। अच्छा, 60 लीटर। हाँ, लॉन्च, मतलब कि हम लंबे समय तक एक बार टैंक में फुल करा लिया तो लंबे समय तक हम ट्रैक्टर चलाएंगे। अच्छा जी, किसान भाइयों को ज्यादा मतलब पेट्रोल पंप जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जल्दी अलग से डालने की मतलब बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, रेगुलर ट्रैक्टर आपका चलेगा चलेगा। थोड़ी आप इसके पंप के बारे में और बताइए, जो आपका 3 सिलेंडर पंप है जी, इनलाइन पंप दिया गया है इसमें। ये जो पंप आता है इनलाइन पंप आता है। अच्छा जी, कुछ कंपनी का पंप है, इनलाइन पंप आता है जो 3 नोजल वाला होता है। अच्छा जी, 3 नोजल के द्वारा जो पिस्टन पर स्प्रे होती है डीजल की। और जो ये पावर स्टेयरिंग दी गई है, इसका अलग से स्टॉक के लिए ऑयल वगैरह का सिस्टम है? हाँ, ये जो पावर स्टेयरिंग का अलग से आता है, पावर स्टेयरिंग का अलग से दिया गया है। अच्छा जी, CL ऑयल होता है जो अलग से दिया गया है पावर स्टेयरिंग का। जैसे कि कई मतलब कि ट्रैक्टर का जो हमारा इंजन का होता है या हाइड्रोलिक वाला, उसी से चलता है। उसकी जे प्रॉब्लम है, कई बार पावर स्टेयरिंग में कोई दिक्कत आ जाए, कुछ लीक हो जाए, तो वो सारा ऑयल ही लीक होगा।
उसमें जो 40-45 लीटर हमारा रहता है वो सारा ही लीक होगा। हाँ, तो किसान भाइयों को उसमें खर्चा भी ज्यादा बढ़ जाता है। कई बार जब उसमें कोई प्रॉब्लम आगी तो आपका सारा 45 लीटर जाएगा ही जाएगा। हाँ, बिल्कुल, इसमें आपका 1 लीटर ही जाएगा। जो कुछ होती भी है प्रॉब्लम, मैक्सिमम तो प्रॉब्लम आती नहीं है, जो कुछ प्रॉब्लम आएगी भी तो आपका 1 लीटर ही जाएगा। अच्छा जी, एक बात और बताइए आप, जैसे मेरे किसान भाई इस ट्रैक्टर को लगातार चलाते हैं तो ट्रैक्टर गर्म तो होगा नहीं? उसके लिए कूलेंट दिया गया है अलग से। हाँ, ये कूलेंट है। हाँ, ठीक है, ये मतलब कि जैसे कि हीटर होता है ट्रैक्टर, तो ये उसको ठंडा करने की मदद करता है। अच्छा जी, कम से कम ये 24 घंटे आप इससे काम करोगे तो आराम से कर पाओगे, क्योंकि कोई प्रॉब्लम ही आएगी आपको इसमें। अच्छा जी, 3 स्टेज एयर क्लीनर आता है। फर्स्ट में जो हवा साफ होती है और मिट्टी यहीं रह जाती है। अच्छा, उसके बाद जो ऑयल दिया गया है और नीचे एक जाली दी जाती है, हवा ऑयल से नीचे जाके जाली में से जो हवा के अकॉर्डिंग हवा के साथ ऑयल जाता है। हाँ, वो जाली में रुक जाता है और खाली हवा ही साफ अंदर जाती है। अच्छा जी, अभी जो हमारा इसमें क्लच आ रहा है। हाँ, वो ड्यूल क्लच कईयों में आता है और कईयों में सिंगल आता है। हाँ, पर इसमें डबल क्लच दिया गया है। अच्छा, इससे हमारा खाली ट्रैक्टर का गियर चेंज करने के लिए क्लच दिया गया है। जो पीटीओ के लिए दिया गया है वो अलग से क्लच दिया गया, इंडिपेंडेंट क्लच आता है। अच्छा जी, इंडिपेंडेंट क्लच बोलते हैं इसको। आगे करेंगे तो ये हमारा जो पीटीओ का गियर लग जाएगा, इसको छोड़ेंगे तो पीटीओ स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा जी, इसमें रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों साइड पीटीओ, इसमें 4 तरह का मल्टी स्पीड पीटीओ आता है। अच्छा, गियरों में पीटीओ भी आता है। अच्छा, गियर से भी पीटीओ चलेगा? जैसे कि आपने पीटीओ का गियर लगा के पहला गियर डाल दिया, उसी हिसाब से आपकी पीटीओ की स्पीड होगी। अच्छा, दूसरा गियर लगा दिया और दूसरे गियर के हिसाब से होगी। उसके बाद आप रिवर्स चलाना है, रिवर्स पीटीओ भी है जो 540 चक्कर पर चलती है, वो जो स्टैंडर्ड पीटीओ है वो आपकी इसमें मिलेगी। हाँ, क्या होता है कि गन्ने वगैरह की ट्राली वगैरह भी लिए जाते हैं किसान, तो उसमें गियरों वाली जो पीटीओ की बहुत जरूरत पड़ती है, क्या ट्राली के साथ जोड़ लेते हैं? हाँ, वो पीटीओ दी गई है, वो गियरों के हिसाब से भी आती है। इसमें पीटीओ आप गियरों के हिसाब से भी पीटीओ लगा सकते हैं, मतलब जितना चक्का घूमेगा उतना ही पीटीओ घूमेगी। हाँ, वो जैसे कि गियर के अकॉर्डिंग भी आपकी पीटीओ चलेगी। अच्छा जी, उसके बाद पीछे का टायर कितनी साइज का दिया गया? जो 14/28 का टायर आता है। अच्छा जी, इसमें आपको ऑप्शनल है, आप किसी भी कंपनी का टायर ले सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि आपको MRF का ही मिलेगा या पोलो का ही मिलेगा, आप किसी कंपनी का भी टायर ले सकते हैं। अच्छा जी, ऑप्शनल है। एक बात और बताइए आप, इन टायरों में जैसे किसान भाई पानी भर के चलाते हैं तो उसकी कैसी प्रक्रिया रहती है? भैया, ऐसा होता है कि पानी भर के चलाने से ट्रैक्टरों की मतलब लाइफ तो नहीं बढ़ती, ट्रैक्टर थोड़ा जल्दी जाते हैं, क्योंकि ऐसे में पूरा ट्रैक्टर में वेट रहेगा। हाँ, किसी किसान को चलाना है, कैसे खेत में चला सकते हैं, तो उसमें हम खेत में इसकी हवा होती है जो 13-14 पाउंड रखनी चाहिए। अच्छा, रोड पर है तो 18-18 रखनी चाहिए। इससे अच्छा है पानी डालने की कोई जरूरत मैक्सिमम है नहीं, जो हवा नॉर्मल होगी तो अच्छे से ट्रैक्टर चलेगा। अच्छा, बात ऐसी होती है कि टायर की पूरी ग्रिप बननी चाहिए। हाँ, पूरी ग्रिप बनेगी तो वो अच्छे से चलेगा। अच्छा जी, अब पीछे साइड और आप चलिए, थोड़ी इसकी लिफ्ट क्षमता बताइए आप, किस ट्रैक्टर में कितनी केजी की लिफ्ट क्षमता मिलने वाली है? इसकी लिफ्ट की कैपेसिटी की बात करें तो इसमें 2000 केजी की लिफ्ट की स्पेसिटी आती है। अच्छा, 2000 केजी की, यानी 20 क्विंटल की? हाँ, 20 क्विंटल की आपको मांग चलिए वो आती है। उसके बाद आपको दिखाते हैं, ये आपको पूरी फिक्स लिंक दी गई है। अच्छा जी, कॉम्पिटिशन ट्रैक्टर किसी में देखना वो फिक्स लिंक्स नहीं आती, या सिंगल दिए होते हैं या इधर से कुछ दिया जोड़ा होता है। इसमें हाँ, फिक्स आती है आपका एम्प्लीमेंट जो भी आपने अटैच किया हुआ है, चाहे आप रोड पर लेके जा रहे हैं या कुछ भी है, तो आपका ज्यादा साइड में नहीं जाएगा। हाँ, इसमें आपकी पूरी नीचे सटेगा, आपकी पूरी सेफ्टी रहेगी उसमें। दूसरी बात करें इस लिंक की, दूसरी कंपनियों में लिंक जो खाली जेई छोड़ी होती है, इसमें अलग से पूरा हैवी दिया गया, नीचे से भी लगाई गई है। अच्छा, ये पत्ती दी गई है, नीचे से भी आपको पूरी सेफ्टी रहेगी इसमें, काफी मजबूत बना, काफी मजबूत दी गई है आपको। अच्छा जी, उसके बाद आपको ADDC दिया गया है, वाल 3 सेंसिंग दिए गए हैं। अच्छा, 3 सेंसिंग में इसकी जुताई होगी? हाँ, 3 सेंसिंग में आपकी जुताई, जैसे कि आपने कल्टीवेटर यूज करना है तो आप ऊपर वाले में कर सकते हैं, रोटावेटर यूज करना है या कुछ करना तो आप सेकंड में कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आपको कोई एम्प्लीमेंट घर से खेत में लेके जा रहे हैं या घर से खेत में से घर से लेके आ रहे हैं। हाँ, तो उसमें सेंसर की जरूरत नहीं होती, आप लास्ट वाले में लेके आ जा सकते हैं। अच्छा जी, और उसके बाद आपको जे 6 पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट दिए गए हैं, जैसे कि आपको पीछे की जब म्यूजिक सिस्टम देना है या कोई ट्रॉली में लाइट के लिए कुछ देना है तो आप जहाँ से कनेक्शन दे सकते हैं उसमें। आपको डबल डिस्ट्रीब्यूटर मिलेंगे ट्रॉली के लिए, हो गया या MB प्लो चलाते हैं आप अभी जो आ रहे हैं, उसमें आपको डबल डिस्ट्रीब्यूटर दिए गए हैं। अच्छा, और इसका अलग से लीवर भी दिया गया है? जे आपको इजी हिच दी गई है, जैसे कि आप अकेला आदमी खेत में है या कुछ भी काम कर रहा है जो उसको एम्प्लीमेंट जोड़ना है, तो जहाँ से उठा सकता है लिफ्ट को और जहाँ से नीचे कर सकते हैं आराम से। अच्छा, अकेला आदमी भी आप एम्प्लीमेंट अटैच कर सकता है इससे, जैसे कि ये 2 आदमी की जरूरत नहीं है इसको, जहाँ से लिफ्ट ऊपर जाए हो जाएगी और जहाँ से ही नीचे हो जाएगी। अच्छा जी, मतलब ट्रैक्टर पे बैठने की किसान भाई को जरूरत नहीं है, पीछे खड़े हो जाएंगे वो, तो इसी से एडजस्ट करते रहेंगे, जैसे कि 1 आदमी को अटैच कर सकता है। अच्छा जी, बताता हूँ और जो अभी अपना जो रोटावेटर लगा हुआ है इसमें कितने फीट का लगा हुआ है? ये रोटावेटर 6 फीट का है। छह फीट का है ये 6 फीट का रोटावेटर है। अच्छा जी, 2 साल की वारंटी है।
अच्छा जी जी, ट्रैक्टर कितनी फीट तक का रोटावेटर खींच सकता है? ये कम से कम आपकी मिट्टी के अकॉर्डिंग के हिसाब से है। जैसे कि हार्ड मिट्टी होगी तो वो 7 फीट का आराम से चला सकता है। अच्छा जी। पंजाब की ओर देखें तो ये 8 फुट का भी चलता है और 10 फुट का भी चलाते हैं। अच्छा जी। 9 HP पर इतना चला लेते हैं वो। अच्छा जी। तो जहाँ पर आपकी बात करें, जो इसमें ब्रेक दी गई है, ऑयल मर्श ब्रेक आती है इसमें। अच्छा जी। पूरे ऑयल में डूबे हुई ब्रेक आती है, ऑयल में डूबे हुए ऑयल डिस्क ब्रेक आती है जो इसकी। एक बात और बताइए आप, मैंने जैसे अदर ट्रैक्टरों में देखे हैं तो वो ब्रेक लगाते हैं तो उनकी ब्रेक आवाज करने लगते हैं, तो आपके ड्राई में ऐसी कोई समस्या वो ऐसे की है? वो ड्राई ब्रेक होती है, सूखी ब्रेक जिसको बोलते हैं, जो ऑयल वाली ब्रेक है। ऑयल में आप ब्रेक लगाओ तो उसमें कोई आपको आवाज आएगी नहीं। ठीक है। ऑयल मर्श ब्रेक दिए गए हैं। जो इसकी गियरों की बात करें या हमें लो हाइट में दिए गए हैं गियर। अच्छा जी जी। और इसमें साइड शिफ्टिंग भी गियर बॉक्स मिलते हैं? हाँ, साइड शिफ्ट में मिल जाएगा। ये सेंटर गियर बॉक्स में है, वो साइड में मिल जाएगा। और कांस्टेंट मैच का जो गियर बॉक्स आता है। अच्छा जी। हाँ, इसकी लाइफ बहुत अच्छी रहती है, लंबे समय तक गियर बॉक्स चलता है। उसके जहाँ पर आपको अल्टरनेटर दिया गया है, और ये लिफ्ट का पंप है और एक पावर स्टीयरिंग का पंप दिया गया आपको। अच्छा, दोनों पंप अलग अलग दिए गए। ये एक लिफ्ट का होता है और ये एक हमारा पावर स्टीयरिंग का। अच्छा जी। उसके बाद इसकी वारंटी की बात करें तो 6000 और 6 साल की इसकी वारंटी है। पहले आती थी 2000 दो साल की, अब 6000 और 6 साल की गारंटी है। अच्छा जी। और दूसरी इसकी बात करें सर्विस की, जो सर्विस इंतराल है इसका, पहला 100 घंटे पर है। अच्छा। दूसरी सर्विस 400 घंटे पर है। पहले पहली सर्विस 100 घंटे पे और दूसरी सर्विस 400। इसके बाद जो भी सर्विस होती है पहली के बाद 400 घंटे पर। जैसे कि पहले आता था वो 40-50 घंटे पर पहली सर्विस करानी पड़ती थी। हाँ। दूसरी 250 पर करानी पड़ती थी। हाँ। अब इसका सर्विस अंतराल बढ़ा दिया गया है, इसमें कस्टमर का, जो किसान लोग भाई हैं, उनका पैसा बचता है। अच्छा जी। एक बात बताइए आप, जैसे एक सर्विस कराने में किसान भाइयों का कितना खर्चा आ जाता होगा? भैया ज्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम वो हाइड्रो जो हमारा ऑयल डालते हैं उसके अकॉर्डिंग होता है, वही है 3500-4000 के आसपास में। 3500-4000 के आसपास खर्चा वही है कि ऑयल का होता है, एयर क्लीनर का होता है और जो फिल्टर होते हैं, बस मैक्सिमम वही होता है। अच्छा जी। आप थोड़ी इसकी डीजल खपत के बारे में और बताइए, जैसे मेरे किसान भाई इस ट्रैक्टर को जुताई वगैरह में चलाते हैं तो इसका क्या माइलेज होने वाला है? मोस्टली तो भैया आपके चलाने पर डिपेंड है, आप कितने RPM चला रहे हैं और किस एम्प्लीमेंट पर कैसे चला रहे हो। हाँ, वो तो बाकी जो हमारी कंपनी की ओर से है, जो इसकी लिफ्ट डीजल कैपेसिटी है वो 4 लीटर 700 ml की 1 घंटे की है। अच्छा जी। काय में जो कल्टीवेटर, कल्टीवेटर चाहे कोई भी एम्प्लीमेंट चलाते हो, चाहे मान चलिए आप 4 से 5 लीटर की इसकी एवरेज है 1 घंटे की। अच्छा जी। किसी भी एम्प्लीमेंट आप चलाते हो तो, बाकी आपके काम पर डिपेंड है, आप कैसा काम ले रहे हो, किस हिसाब से और कितने RPM पर चला रहे हो। अच्छा जी जी। और अपनी इस ट्रैक्टर के ऑन रोड प्राइस क्या होने वाले हैं? जी, ऑन रोड प्राइस इसका अभी ये 8,10,000 है। 8,10,000 रुपए। हाँ। अच्छा जी। प्राइस आपने कहाँ की बताई है? ये छतरपुर गोपी ट्रैक्टर की है। अच्छा जी। हाँ। छतरपुर गोपी ट्रैक्टर की प्राइस है। बाकी स्टेट बाई स्टेट प्राइस बदलती रहती है, कहीं की थोड़ी प्राइस कम रहती है, कहीं की ज्यादा रहती है। हाँ, टाइम के हिसाब से कंपनी की ओर से भी ऑफर आती रहती है। जैसे कि सीजन में कुछ ना कुछ ऑफर आ जाती है कंपनी की ओर से, ट्रैक्टर के साथ कुछ LED वगैरह होगा या कुछ हरा वगैरह मिलता है, तो कंपनी की ओर से भी ऑफर आती रहती है। अच्छा जी। जैसे मेरे किसान भाई इस ट्रैक्टर को खरीदते हैं तो लगभग कितना डाउन पेमेंट करना पड़ेगा? मैक्सिमम आपको 1.5 से 2 लाख में करना पड़ेगा। अच्छा। तो आपका 70-80% आपको, मतलब कि मांग चलिए भी फाइनेंस हो जाएगा। अच्छा जी। जैसे मेरे किसी किसान भाई को ट्रैक्टर खरीदना है और भी कोई जानकारी चाहिए स्वराज ट्रैक्टर के बारे में, तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह बताइए आप, ताकि मेरे किसान भाई उस नंबर पर कॉल करके जानकारियां वगैरह ले सके। हमारा टोल फ्री नंबर है। अच्छा जी। वो 9826 71 42 11 जो 24 घंटे किसान सेवा के लिए उपलब्ध है। एक बार मैं आपको और बता दूं, इसके जैसे कि सर्विस इंतराल है, जो भी सर्विस करवाते हैं। हाँ। हमारा 24 घंटे का है, मतलब कि आप सुबह से जाइए, रात को भी किसी कस्टमर को जरूरत पड़ जाती है सर्विस की, तो कुछ प्रॉब्लम आ रही है ट्रैक्टर में, आप रात को भी कॉल करेंगे तो हमारा जान से मैकेनिक वहाँ आपको पहुंच जाएगा। अच्छा जी। आपकी सर्विस बहुत अच्छी दी गई है। सर्विस आपको 24 घंटे मिलेगी। अच्छा, 24 घंटे। जैसे कि सीजन में प्रॉब्लम आती है, कैसे कि कोई प्रॉब्लम आती है खेत में, तो हमारा मैकेनिक वहां भी पहुंच जाएगा, खेत में भी पहुंच जाएगा। सर्विस वैन अलग से बना रखी है, एम्बुलेंस जो ट्रैक्टर के लिए बनाई हुई है वो अलग से बनाई हुई है, उसमें आपको सर्विस के लिए किसी भी टाइम भी कोई जरूरत पड़ती है तो आपको वहाँ सुविधा आपको मिल जाएगी। इसमें आपको कोई जैसे कि सीजन के टाइम में प्रॉब्लम आती है ट्रैक्टर में, एजेंसी पर लाना पड़ता है, या कुछ पार्ट्स नहीं अवेलेबल होते, कुछ मिलते नहीं है, ऐसा कोई नहीं है। सभी पार्ट्स आपको यहाँ पर अवेलेबल हैं गोपी ट्रैक्टर छतरपुर में। अच्छा जी। तो आपको जहाँ पर आपको 24 घंटे की सर्विस मिलेगी। ठीक है सर, धन्यवाद।